हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन। वेलकम टू शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम सीखेंगे पोयम बर्ड टॉक, पक्षियों की बातें। और ये पोयम हम रीड कर रहे हैं क्लास 3 एनसीईआरटी इंग्लिश मेरी गोल्ड की यूनिट 2 में से। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और इसी से ही खुशियां बढ़ती हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे कि पोयम अच्छे से समझ में आए। बर्ड टॉक। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो, दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? तो students, इस poem में दिखाई है bird talk, पक्षियों की बातें, कि पक्षी कैसी बातें करते होंगे। अब देखो, ये एक है जो कि है, एक है इनमें से रॉबिन और एक है इनमें से जे, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? Think. रॉबिन कहता है कि सोचो, और जे जो है वो भी कहता है कि सोचो। बैठ के सोच रहे हैं गार्डन में एक दिन, और क्या सोच रहे हैं? वो सोच कह रहे हैं, सोचो इंसानों के बारे में, लोगों के बारे में, किस तरह से वो बड़े होते हैं। द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स, यानी उनके तो पंख नहीं होते। एट ऑल यू नो, यानी तुम्हें पता भी है उनके पंख ही नहीं होते। दे डोंट ईट बीटल्स, यानी जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो नहीं खाते जो पक्षी खाते हैं, क्योंकि पक्षी खाते हैं छोटे छोटे कीड़े। तो वो कह रहे हैं कि इंसान तो ये खाते ही नहीं, और उनके पंख भी बड़े नहीं होते। और पता है, दे डोंट लाइक सिटिंग, उनको सिटिंग भी पसंद नहीं है। कहाँ पर? तारों पर, उन्हें चीजों पर, जो तारे हैं, वायर्स हैं, उन पर बैठना इंसानों को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या आपने देखे हैं कभी इंसान बैठे हुए? तो जिस तरह से हम पक्षियों को देखकर हैरान होते हैं कि वो वायर्स पर बैठते हैं, किसी भी डोरी रस्सी पर बैठते हैं, उसी तरह से पक्षी बातें कर रहे हैं कि इंसान तार पर नहीं बैठते। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, दोबारा से रॉबिन भी कह रहे हैं सोचो, जे भी कह रहे हैं सोचो, कि आर नॉट पीपल फनी, ये जो लिखा है आर्ट, इसको बोलते हैं आर नॉट, aren't people funny to be that way, कि लोग इतने फनी नहीं है, वो लोग इस तरीके से है, यानी पक्षी इंसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं उन पर, कि ना तो इनके पंख हैं, ना इनके पंख बड़े होते हैं, ना ही ये कीड़े छोटे छोटे कीड़े खाते हैं, ना ये तार पर बैठते हैं, तो किसी फनी से लोग है ना, ये कुछ भी नहीं करते हैं। बेसिकली पक्षी आपस में कह रहे हैं कि इंसानों की लाइफ अच्छी नहीं है। और ये हमारे लिए पोएट है इसके पोएम के, वो है एलीन फिशर। एलीन फिशर ने ये पोएम लिखी है बर्ड टॉक। यहां हमने कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं? वो है बीटल्स, सिटिंग, वायर्स, फनी। बीटल्स छोटा कीड़े जो होते हैं, सिटिंग यानी बैठे हैं, वायर्स जो तार होती हैं, तारे, और फनी यानी मजाकिया। चलो अब हम इस पोएम को गाते हैं। चलो अब इसको गाना शुरू करते हैं। बर्ड टॉक। Think, said the robin, think, said the jay. Think, said the robin, think, said the jay. Sitting in the garden, talking one day. Sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. Think about people, the way they grow. Think about the people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. They don't like sitting on wires and things. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Aren't people funny to be that way? Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? वे
तो ये थी हमारी पोयम द वर्ड टॉक। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी पक्षियों की बातें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये पोएम आपको कैसी लगी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस पोएम से रिलेटेड आप वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि पढ़ाई की और अच्छी अच्छी वीडियोज आप सबसे पहले देख सको। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।